हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। देखा जाए तो बॉलीवुड फिल्मों में एक्टर और एक्ट्रेसेस का ही हर जगह नाम होता है, लेकिन अगर फिल्मों में किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है तो मानो फिल्म को देखने का लोगों में इंटरेस्ट जाग जाता है। अब ये तीसरा कौन है ये तो आप समझ ही गए होंगे। हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स की, जिनकी वजह से फिल्म और भी ज़्यादा एंटरटेनिंग हो जाती है। तो वो कौन कौन से स्टार्स हैं जो फिल्मों में ट्रांसजेंडर के रोल में नजर आए हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। नंबर वन, महेश मांजरेकर। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है महेश का, जिन्होंने साल 2013 में आई विश्वास पाटिल की फिल्म रज्जो में एक किन्नर का रोल निभाया था। भले ही बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कमाल ना दिखा पाई हो, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि महेश ने इस फिल्म में अपनी एक्टिंग से सभी को खुश कर दिया था। नंबर टू, रवि किशन। भोजपुरी एक्टर रवि किशन ने भी फिल्म रज्जो में एक किन्नर की भूमिका निभाई थी। बता दें कि उनकी एक्टिंग की सभी ने सराहना की थी। नंबर थ्री, आशुतोष राणा। बॉलीवुड के फेमस एक्टर आशुतोष राणा, जिनकी एक्टिंग की हर कोई तारीफ करता है। बता दें कि साल 2005 में आई फिल्म शबनम मौसी में उन्हें भी एक ट्रांसजेंडर के किरदार में देखा गया था। नंबर फोर, राखी सावंत। बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत को कौन नहीं जानता होगा। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता होगा जब उन्हें खबरों में ना देखा गया हो। बता दें कि साल 2004 में आई फिल्म मस्ती में राखी ने भी किन्नर का एक छोटा सा रोल निभाया था। नंबर फाइव, परेश रावल। बॉलीवुड फिल्मों में अपनी एक्टिंग और कॉमेडी से सभी के चेहरों पर हंसी लाने वाले एक्टर परेश रावल ने यूं तो कई फिल्में की हैं, लेकिन 1997 में आई फिल्म तमन्ना में किन्नर का एक किरदार निभाकर उन्होंने लोगों के दिलों पर अपनी जगह बना ली। तो ये थे बॉलीवुड के वो स्टार्स जिन्होंने फिल्मों में एक अलग किरदार निभाकर फिल्मों में अपनी एक्टिंग से जान डाल दी। वैसे रियलिटी में भी अगर देखा जाए तो इन्हें अलग नजरों से ही देखा जाता है। वेल, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि इन्हें भी समाज में उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए जितने की आम लोगों को मिलती है। मुल्क में एक संदेश था लेकिन मनोरंजन भी था, सिम्बा में एक संदेश था लेकिन मनोरंजन भी था, ऐसे ही सोन चिरैया के अंदर भी एक संदेश है लेकिन साथ में मनोरंजन भी भरपूर है। मिस टोटल पैकेज देंगे ऑडियंस को, हम ये बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बड़ा आनंद आएगा क्योंकि इसमें सोन चिरैया में अगर आप देखेंगे तो मनोज वाजपेयी जैसे कुशल अभिनेता हैं जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, जिनका काम ही उनका नाम है। उसमें आप सुशांत सिंह जैसे कुशल अभिनेता को देखेंगे, उसमें रणवीर शौरी हैं, उसमें भूमि पेडनेकर हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो निर्देशक हैं अभिषेक चौबे, वो अपने आप में बड़ा ही चमत्कारी और बड़ा ही अनोखा और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला निर्देशक है। तो जिन्होंने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से संजोया है और बहुत अच्छे से कैप्चर हुई है ये चीज़ें।